स्टाफ नर्स जिसकी जान गई। तो अलग अलग जिलों से मामले लगातार, चाहे बाराबंकी हो, चाहे मुजफ्फरनगर हो, चाहे लखनऊ हो, तमाम जगहों से इस वक्त डेंगू के मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ती दिख रही है। अस्पतालों में लंबी भीड़ है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता सतीश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इसी खबर पर। सतीश, आपने खुद अस्पतालों में जाकर स्थिति को देखा है, किस तरीके से लंबी कतारें लगी हुई हैं, लेकिन जो मामले लगातार बढ़ रहे हैं, इसके बाद स्वास्थ्य विभाग की क्या तैयारियां हैं, क्योंकि डेंगू के मामले में इजाफा होता जा रहा है? शिवांगी, बिल्कुल, देखिए, जो मरीज बढ़ रहे हैं उसको लेकर अस्पताल प्रशासन की तैयारियों की बात करें तो अलग से इसके लिए वार्ड बनाया गया था पहले से, लेकिन वार्ड में जो बेड की संख्या है उसको बढ़ा दी गई है। अगर मैं सिर्फ सिविल अस्पताल की बात करूं तो यहां पर 40 मरीज पिछले दिनों आए थे, जिसमें 14 मरीज डेंगू के लक्षण के मिले थे। इसमें 40 से 45 से अधिक अभी भी मरीज इसमें भर्ती हैं, महिलाएं और पुरुष लेकर, उन लोगों का इलाज हो रहा है। बकायदे अलग अलग अस्पतालों की बात करें, अगर पीजीआई की बात करें या फिर केजीएमयू की, तो वहां पे भी मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसको लेकर अगर हम कल देखें कि जो पीजीआई की जो रिपोर्ट आई थी, एक व्यक्ति की, एक शिक्षिका की मौत हुई थी डेंगू की चपेट में आने की वजह से, तो इसको लेकर प्रशासन की तरफ से पूरा पुख्ता इंतजाम है किसी तरह की ना हो। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी है, जो डेंगू को लेकर जो एक तरह से कमेटी बनाई गई है, जो टीम बनाई गई है, वो घर घर जाकर दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कहीं भी जल भराव की स्थिति बनी हुई है तो उसको निकालने के लिए एक तरह से पहल कर रहे हैं और अनुरोध कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें, व्यवस्थाएं हैं जो कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। अगर हम बात करें डेंगू के मरीजों की, तो न केवल लखनऊ में बल्कि अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में भी संख्याएं सामने आ रही है। लखनऊ में सिर्फ 22 मरीज मिले थे। इसके अलावा अगर हम जांच रिपोर्ट्स की बारे में बात करें, तो जांच रिपोर्ट हमने देखा कि ब्लड जो सैंपलिंग है पिछले एक महीने के अंतराल में उनकी संख्या बढ़ा दी गई है। सिविल अस्पताल सिर्फ एक दिन में करीबन 1000 के पास